डकरा बी टाइप दुर्गा मंडप में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की बैठक सीताराम शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सम्मिलित बिहार कोलियरी कामगार के सेंट्रल कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड मिथिलेश सिंह, सेंट्रल मेंबर धनेश्वर पुरी एवं जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू, जोनल सचिव बहादुर राम, एरिया सचिव दिनेश भर, संगठन सचिव इरफान खान, संगठन मंत्री संतोष मेहता, केडीएस सचिव जावेद खान की उपस्थिति में पूर्णाडी परियोजना शाखा कमेटी का गठन किया गया। बैठक में नए कमेटी गठन किए गए सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बहुत बड़ा संकट कोयला खदान पर आया है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप देखिएगा कि साल दो साल के बाद कितना बड़ा असर कोयला खदान पर पड़ने जा रहा है। हमारा जो भविष्य है वो प्राइवेट मालिक को दे दिया जा रहा है। जितना बड़ा बड़ा कोयला का पैच जो प्राइवेट मालिक को दे दिया जा रहा है, और जो सरकारी कोलेरी है, जो हमारा कोयला खदान है, इसका शेयर बेचा जा रहा है। और शेयर बेचते बेचते तभी धनेश्वर जी ने बताया कि कितना परसेंट शेयर हमारा बिक चुका है, और जिस दिन भी यह 51% शेयर बिक जाएगा यह कोयला खदान प्राइवेट मालिक का हो जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या देश में हुआ है? हुआ है। ये मारुति गाड़ी पर आप चढ़ते हैं ना, मारुति गाड़ी पहले सरकारी थी, पब्लिक सेक्टर में था, लेकिन क्या हुआ, जापानी कंपनी मारुति सुजुकी कंपनी उसको खरीद लिया, वह प्राइवेट हो गया। आज वह प्राइवेट कंपनी है। इसके खिलाफ में लड़े थे इंदिरा जी, इसका विरोध किए थे, उनका बेटा बहुत विरोध किया लेकिन नहीं सका, सरकार इसको बेच दिया, और आज वही हालत हमारा कोयला खदान के साथ करने जा रहा है। इसलिए साथियों, अभी NCW 11 आज हम लोग बैठे हुए हैं, NCW 11 लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। अभी तक JBCI गठन नहीं हुआ। JBCI गठन होने में सोचने के लिए आंदोलन, इस बार का आंदोलन करना पड़ेगा JBCI गठन के लिए। मैनेजमेंट राजी नहीं है, बोलता है कि हम लॉस में जा रहे हैं, और लॉस में जा रहे हैं इसलिए इसका पैसा हम लोग बढ़ाने के लिए NCW 11 के वेतन नहीं देंगे, इसके लिए हमको लड़ाई में जाना पड़ेगा, और लड़ाई के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। तो लड़ेगा कौन? जितना समझदारी हमारे अंदर में मजबूत रहेगा, हमारा कमेटी जितना मजबूत रहेगा, जितना सचेत रहेगा, उतना मजबूती से लड़ाई होगा। यही लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए ना, सरकार क्या किया हमको, 44 श्रम कानून अंग्रेजों के टाइम से लेके आज़ादी तक लड़ करके हम लोगों ने लिया था। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सब अंग्रेजों के टाइम में बना था। सारा एक्ट को खत्म कर दिया सरकार, 4400 श्रम कानून को समाप्त करके 4 कोर्ट बना दिया। कोर्ट क्या है? कोर्ट कानून नहीं है, नियमावली है। मर्जी होगा तो लागू करेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं लागू करेंगे। आइए 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, आइए 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा तो आपका लड़ाई बन जाएगा। आपको 10 तारीख को पेमेंट नहीं मिलता है तो आप हल्ला करना शुरू करते हैं कि पेमेंट दो, पेमेंट दो। अब आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यह अधिकार आपको 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा। ट्रेड यूनियन करने का अधिकार 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा। तो इस सब परिस्थिति में आज हमको विचार करना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग आपसे कहने आए कि आप लोग समझदारी पैदा कीजिए, हर एक ब्रांच का बैठक रखिए, क्लास कीजिए। अगर हमारे अंदर में समझदारी आएगा तो लड़ाई हमारा उतना ही मजबूत होगा, और जितना बढ़िया समझदारी होगा लड़ाई उतना ही मजबूत होगा। इसलिए समझदारी के लिए हम लोग को बैठना है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, और संघर्ष को तेज करना। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले।